2023 सेशन वाले जितने भी स्टूडेंट है पार्ट वन के, और 2019 से 22 सेशन के जितने स्टूडेंट है पार्ट वन के ही, जो भी प्रमोटेड हो गए थे और जिनका रिजल्ट पेंडिंग में है, उनको फॉर्म किस प्रकार से भरना होगा इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो पार्ट वन के स्टूडेंट 2020 से 23 सेशन वाले हैं जिनका परीक्षा 2021 में होना था, उनको तो पहले से ही फॉर्म भर करके मिलेगा कॉलेज से। आपको जो है वेरीफाई करना रहेगा, तो फॉर्म किस प्रकार का रहेगा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो फॉर्म कुछ इसी प्रकार का आपको जो है देखने को मिलेगा जब प्रिंट होकर के आपको आपके कॉलेज से मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने कॉलेज विजिट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स कौन सा होना चाहिए? आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर आपने ले लिया है तो, नहीं लिया है तो फिर आपको कॉलेज में ही जाना होगा और वहां से अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप रिसीव करना होगा। उसके बाद की आगे की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, और अपना ओरिजिनल कौन सा डॉक्यूमेंट कैरी करना है अपने साथ ये भी हम बता देंगे। सबसे पहले तो जो एग्जामिनेशन फॉर्म आपको प्रिंट करके कॉलेज से मिलेगा रेगुलर स्टूडेंट को, प्रमोटेड वालों के लिए जो है हम कुछ देर बाद बात करेंगे, पहले रेगुलर स्टूडेंट के लिए बात कर लेते हैं। तो आप अगर रेगुलर स्टूडेंट है 2020 से 23 सेशन के स्टूडेंट है पार्ट वन के, तो प्रोविजनल जो है एग्जाम फॉर्म फॉर TDC पार्ट वन एग्जामिनेशन 2021 कुछ इस प्रकार से आपको अपने फॉर्म पे लिखा हुआ दिखेगा। इसके बाद जो है आपको अपना नाम दिखेगा यहाँ पे, और उसके नीचे जो है डेट ऑफ बर्थ, सेशन लिखा हुआ होगा जुलाई 2020 और जून 2021। तो ये सेशन जो है सही होगा, अगर इस प्रकार से लिखा होगा तो आपका सेशन सही होगा। और इसके बाद जो है कोर्स डिटेल्स लिखा होगा, BA, BCom, BSc आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे वहाँ पे वो चीज़ें मेंशन होगी। अगर उसमें कुछ त्रुटि होती है तो आपको पेन से काट के वहाँ पे सही करना रहेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप से मिला लेंगे सही यहाँ पे प्रिंटेड है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब आपके कॉलेज का नाम लिखा हुआ होगा, कॉलेज का नाम भी पूरी तरीके से मिला लेंगे, कहीं पे भी कुछ भी अगर गलत दिखता है तो उसे करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जस्ट नीचे में आपको जो है सब्जेक्ट का ग्रुप दिया हुआ है, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे, जिस भी ऑनर्स में आपने इनरोल कराया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म डाल करके एडमिशन लिया होगा, वो सारा सब्जेक्ट जो है मेंशन किया जाएगा। तो ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया जाएगा एक, और उसके बाद जो है दो सब्सिडरी सब्जेक्ट जो है मेंशन किया जाएगा। कंपोजिशन सब्जेक्ट में हिंदी 100 मार्क्स का हो सकता है, हिंदी इंग्लिश 50-50 मार्क्स का हो सकता है, या फिर हिंदी उर्दू 50-50 मार्क्स का हो सकता है। तो ऐसा जो है फॉर्मेट आपको देखने को आपके फॉर्म पे मिलेगा, जो प्रिंट करके आपके कॉलेज के द्वारा ही दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, अपने कॉलेज जाना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप को दिखाना है, और आपको जो है ये अपना जो फॉर्म लेना है और उसे वेरीफाई करना है। उसके बाद फिर वापस आते हैं, जेंडर यहाँ पे आपका लिखा रहेगा मेल या फीमेल, और उसके बाद स्टूडेंट का कैटेगरी लिखा रहेगा, आप जनरल वाले होंगे या BC1 BC2 कैटेगरी के होंगे या SC ST के होंगे, तो वहाँ पे मेंशन रहेगा। उसके जस्ट नीचे प्रोग्राम टाइप में UG लिखा रहेगा, ऑनर्स सब्जेक्ट जो आपका होगा वो वहाँ पे लिख दिया जाएगा, जैसे कि आपका हिस्ट्री ऑनर्स होगा, इंग्लिश ऑनर्स होगा, ज्योग्राफी ऑनर्स होगा, आपका केमिस्ट्री ऑनर्स होगा, फिजिक्स ऑनर्स होगा, अकाउंट्स ऑनर्स होगा, BE ऑनर्स होगा, तो जो भी ऑनर्स पेपर होगा यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया जाएगा आपको। उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रोल नंबर जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा जस्ट इसके नीचे में, और टर्म में जो है आपका फर्स्ट ईयर लिखा हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको वेरीफाई कर लेनी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट से टैली करा लेना है। कौन से डॉक्यूमेंट से? तो जो आपने एप्लीकेशन भरा था, अगर आपके पास उसका रिसीट है या फिर आपके पास उसका कोई इनरोलमेंट है तो उससे आप मिला लेंगे, या फिर जो है आप अपना डिटेल जो आपके 12th मार्कशीट पे है उससे आप जो है मिला लेंगे। अब कई छात्र ये भी कह रहे हैं कि हमें अपना नाम जो सुधरवाना है, तो जी हाँ सुधार करवा सकते हैं। अभी अभी जो सुधार हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके बाद जो है अगर आप नहीं सुधार करवाते हैं तो एडमिट कार्ड में सुधार नहीं किया जाएगा, ये हम आपको पहले बता दे रहे हैं। और इसके बाद जो आपको बहुत चक्कर लगाना पड़ जाएगा कॉलेज का, इसलिए अभी जो सुधार हो जाएगा वो हो जाएगा। तो नाम में सुधार आप करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो वो करवा सकते हैं, कोई भी डिटेल्स में आपको जो है गड़बड़ी दिखे तो आप सुधार करवा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हम सब्सिडरी सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो क्या उसमें भी सुधार हो जाएगा? तो ये जो है आपको अपने कॉलेज से पूछना पड़ेगा। वैसे कॉलेज वाले अलाउ नहीं करेंगे, कहेंगे कि जो तुम भर के दिए होगे एडमिशन के टाइम वही ना यहाँ पे प्रिंटेड होगा, तो इसे जो है नहीं बदला जा सकता है, ऐसा वो लोग कहेंगे। लेकिन अगर चाहे कॉलेज वाले तो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है UMIS पोर्टल पे आपका जो रजिस्टर्ड होगा पहले से वही चीज होगा, या फिर आप अपना अगर चाहो तो थोड़ा रिक्वेस्ट करके चेंज करवा सकते हो। ऐसा कोई माइनोरिटी नहीं है, सब्सिडरी सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हो, बस ऑनर सब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। इस बात की आप खास ध्यान रखना, ऑनर सब्जेक्ट चेंज आपका नहीं होगा, सिर्फ सब्सिडरी में आप फेरबदल कर सकते हो, वो भी कॉलेज वाले के ऊपर निर्भर करेगा कि वो करने देंगे कि नहीं करने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर दिखाई देगा, इस बॉक्स में आपको जो है फोटो दिखाई देगा और जस्ट उसके नीचे जो है सिग्नेचर आपको दिखाई देगा।
फोटो आपको अपना वेरीफाई कर लेना है। अगर आप बाहर हैं और आपके कोई भैया दीदी जा रहे हैं आपका फॉर्म लेने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, या कोई आपका कजिन जा रहा है, तो फिर उसे जो है फोटो लेने के लिए कह दीजिएगा, जिससे कि आप वो अपने व्हाट्सएप पे मंगा करके उस पूरे एग्जामिनेशन फॉर्म को देख पाएं अच्छी तरीके से, वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, पहला प्रोसेस हो गया, और इसका फोटो कॉपी जरूर करवा लेना।